सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आस करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हम फॉर्म पे वैक्सीन कर रहे थे, आप वीडियो में एंड तक बने रहें, उसमें बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं और किस कंपनी की कर रहे हैं और क्या चीज़ है वैक्सीन, किस चीज़ की कर रहे हैं, आप बने रहें वीडियो के साथ। आज आपको सब बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वैक्सीन करते समय और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। आज हम अपने फॉर्म पे ब्रुसिलोसिस की वैक्सीन कर रहे थे। पहले तो ये हमारे बंदे देख सकते हो कि इन्होंने दस्ताने वगैरह पूरे पहन के रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वैक्सीन है जेकर आदमी को लग जाए तो आदमी को भी ब्रुसिलोसिस हो सकता है। तो इस तरह इससे बचने से ही बचा है और ये आँख मुंह में डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुई वगैरह नीडल कहीं ब्लड में नहीं लगनी चाहिए। तो हम ब्रुसिलोसिस के बारे में बताते हैं। जो ब्रुसिलोसिस है वो एक तरह का गाय के लिए कैंसर का काम है, क्योंकि जो आप गाय प्रेग्नेंट कराते हो वो तीसरे से लेके सातवें महीने तक वो बच्चा फेंक सकती है जिसको ब्रुसिलोसिस है। तो वो कभी भी प्रेग्नेंट तो रह जाएगी, लेकिन वो सारे पीरियड टाइम में वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, क्योंकि काफ़ी में इम्यूनिटी बन जाती है, वो दे सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि वे तीन चार महीने के बच्चे मतलब गाय बच्चा फेंक जाती है और हमारी जो की धरी मेहनत होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हम अपने जो तीन से लेके आठ मंथ की बछड़ियां हैं, तीन से लेके आठ सात मंथ की जो बछड़ियां हैं उनकी हम वैक्सीन करते हैं। ये हेस्टर कंपनी की ब्रुसिलोसिस की दवाई है और इसमें एक सल्यूशन होता है और एक दवाई ब्रेंग एक सल्यूशन होता है। ये जैसे ये देख सकते हो ये पानी है, ये 10 ml है और ये सल्यूशन है ब्रुसिलोसिस का हेस्टर कंपनी का। तो ये दोनों चीज़ें, ये कूल पैन है हमारा, कूल है पूरे, पानी ठंडा है जिसमें माइनस टेम्परेचर है, कम से कम बर्फ़ पूरी डाल रखी है हमने इसमें, तो इसको ढक के रखते हैं। और ये सल्यूशन को हमने 10 ml पानी में, 2 ml पानी दूसरे में डाल के ये 10 ml बन जाता है और ये 5-5 ml करके ये लगाना होता है और ये चमड़ी खींच के लगाना होता है 2-2 ml। ये एक शीशी 5 को काम करती है। ये सस्ती सी वैक्सीन है पर लेकिन अपने सारियां हीफर्स को, जो छोटी हीफर्स हैं, बड़ी बच्चियां हैं, उनको आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपका फार्म का कोई भी लॉस ना हो। जेकर ब्रुसिलोसिस एक बार आपके फार्म में आ गई तो आपका फार्म को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसमें आपके बच्चे गाय काविंग नहीं करेंगी। और ये एक और भी बात है, ये शूत की बीमारी है, जो ब्रुसिलोसिस है वो एक शूत की बीमारी है जिससे एक से एक दूसरे जानवर को होती रहती है। तो ये कर आपका सारा ही हार्ट ब्रुसिलोसिस पॉजिटिव हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले जो गाय ली थी वो ब्रुसिलोसिस चेक करके नहीं ली थी, तो हमें थोड़ा थोड़ा लॉस लगा है, क्योंकि उनको हमने सेल कर दिया और लगातार हम 14 सालों से ये वैक्सीन ज़रूर करते आ रहे हैं। पर लेकिन जो नई रिसर्च कहती है, जैसे यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि 2.5 साल के बाद में आपको दोबारा वैक्सीन करनी चाहिए, ये एक मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, क्योंकि वो दोस्त के 25-26 गाय 26-25 गाय बच्चा फेंक गई थी। तो उसने, डॉक्टर पूरन चंद है वो हिसार यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप वैक्सीन करो और उन्होंने वैक्सीन की थी 2 साल लगातार, साल साल के, 1 साल के बाद में,
तो उनके जो वहाँ 26 ने तो बच्चा फेंक ही दिया था, लेकिन उसके बाद में किसी ने बच्चा नहीं फेंका और अगले साल भी उसकी सारी गाय सुई थी। लेकिन रिसर्च कहती है, और डॉक्टर पूरन चंद जी हैं जो बहुत ही इस चीज़ के माहिर डॉक्टर हैं, तो ये चीज़ एक नॉलेज शेयरिंग से ही पता चलता है, क्योंकि बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि शायद ये गाय अब ख़राब हो गई है और लॉस हो जाएगा, लेकिन करते करते सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरे डॉक्टर जो हमारे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आते हैं हमारे फॉर्म पे, उन्होंने बताया था जेकर किसी को ब्रूसीलोसिस हो भी गया है तो घबराने की बात नहीं है, और उनको 3 मंथ पे टेरामाइसिन एल ए जो डॉक्टर सलाह देते हैं, और उसके साथ में एक आज ड्यूराप्रोजन, पहले तो जब 3 महीने की प्रेग्नेंट गाय हो गई आपकी तो आपने एल ए लगाना है टेरामाइसिन एल ए, और उसके साथ में एक डोज ड्यूराप्रोजन की, और ड्यूराप्रोजन 15 दिन के बाद में रिपीट करना है, और जो टेरामाइसिन एल ए है वो 72 घंटे के बाद में रिपीट करना है, जिससे ये सारी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और फिर से आपने 7वें महीने में जाके ये टीके रिपीट करने हैं और आपकी गाय सिरे तक आपको बच्चा देगी। ये एक डॉक्टर वाली बताया हुआ है और ये हमने करके भी देखा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के डॉक्टर की सलाह है जो हमने आपको टीके बताए हैं, ये उनसे ही आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ने जो भी लगाया था मैंने आपको दिखा दिया। तो ये था हमारा जो भी वैक्सीन का और इसके क्या क्या नुकसान है, तो ये मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं। जो ब्रूसीलोसिस है वो एक तरह का फार्म का कैंसर है, जेकर वो आ जाए तो सभी जानवरों को हो गया तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हमारी जो वीडियो होती है वो नॉलेज के अधीन होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हर साल अपने फॉर्म पे ब्रूसीलोसिस की वैक्सीन करो, ये इंडियन एमोलॉजी की भी आती है जो सरकारी में आती है, और दूसरी हेस्टर कंपनी की आती है, जिसको आपने कूल चेन मेंटेन रखना है पूरा, और वो आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जेकर गर्म हो जाती है तो वो आपके किसी काम की नहीं है, और हम जैसे आपको वैक्सीन लगाने का ढंग बताते हैं तो वैसे ही आपने वैक्सीन लगानी है। तो एक सावधान पूरा रखना है कि आपने हाथ में दस्ताने वगैरह, और हो सके तो मुंह पे ऐनक वगैरह लगा के ही आपने वैक्सीन करनी है, तो किसी आदमी को ये वैक्सीन ना लग जाए, हो सकता है आप डॉक्टर से लगवा लो, क्योंकि हमें तजर्बा है कि हमने काफ़ी देर से लगा रखा है इसलिए हम खुद लगा लेते हैं, तो ये बहुत मतलब एक डेंजरस सी वैक्सीन है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही लगानी चाहिए। लेकिन ये लगती है 3 से 8 मंथ को, जो जैसे डॉक्टर पूरन चंद कहते हैं तो बड़ियों को भी लग जाती है, और वो उसमें बूस्ट कर देती है जानवर को, तो वो प्रेगनेंसी सेफ हो जाते हैं। लेकिन ये आप जेकर आपको डॉक्टर पूर्णचंद जी का नंबर मिला तो उनसे बात करके ही लगाना, ये मेरे को नॉलेज थी तो मैंने शेयर कर दी, लेकिन जो है वो पूर्णचंद जी से ही पता कर सकते हो, क्योंकि वो आप देहरादून में डॉक्टर हैं अपने घर पे, तो पहले हिसार यूनिवर्सिटी में थे तो तब से हम उनको जानते हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया था तब। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सभी का धन्यवाद।